इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन मुझे दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। और इस पॉइंट पर तो ये आपको याद कर लेना है, y y 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमने ऐसे पढ़ा था कि जहां x स्क्वायर होता है क्या रखते थे, y स्क्वायर के प्लेस पे y y 1, है ना, x के प्लेस पर x प्लस x 1 अपॉन 2, y के प्लेस पर y प्लस y 1 अपॉन 2। याद आ रहा है मेरे बच्चों को? यस सर। इस तरह से रख लेते थे। तो यही हमने देखो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स एक्स वन रख लिया है, क्लियर है। अब इसका एक तरीका ऐसे भी हो सकता है कि पहला स्टेप आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके डीवाई बाई डीएक्स फाइंड कर लोगे, जिसे एम कह दोगे आप। क्या कह दोगे बेटा? एम कह दोगे। उसके बाद ये यूज कर लेंगे टेंजेंट की इक्वेशन, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये किस पर निकालना है टेंजेंट की स्लोप? एक्स वन वाई वन पॉइंट। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी था बेटा, ध्यान है अपने को? Yes, तो ये लगा लेंगे, तो इस तरीके से भी निकल सकता है। नोट कर लेना बेटा। Done, sir. चलो अगला लिख लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट, आपके पास इलिप्स क्या है? इलिप्स है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। और पॉइंट जो है, जो पी पॉइंट है, याद है वो अपने को वैसे रखते थे हम ए कॉस थीटा बी साइन थीटा करके, ऐसा याद है ना बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म? यस सर। तो अब टेंजेंट क्या होगा इस केस के लिए, ये लिखोगे देखो ऐसे x, और ये x1 की तरह लिख लो, a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y, ये लिखोगे b sin थीटा अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये कैंसिल कर लो, देखो ये इससे हट जाएगा, ये इससे हट जाएगा, बची हुई चीजें क्या होंगी देखो, x के साथ cos थीटा और नीचे a रहेगा, ऐसे ही y sin थीटा अपॉन B रहेगा और इक्वल टू वन। क्लियर है बेटा? ये अपने टेंजेंट बन जाएगा, ठीक है बेटा। सही है बेटा। और स्लोप फॉर्म क्या पढ़ा था हमने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c को क्या रखते थे याद है अपना, ऐसे प्लस माइनस करके रख लेते थे। सही है बेटा। ठीक है बेटा। यस। चलो एक एग्जांपल लगाते हैं इससे रिलेटेड, चलूं? एग्जांपल लिखेंगे, इफ एक्स थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू रूट सेवन इज द टेंजेंट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
समझ रहे हो बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा है, कैसे करोगे? मतलब इसकी कंडीशन ऐसे समझ लो, ये एक इलिप्स हो गई, ये पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, ये पॉइंट निकालना है आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको निकालना है। बना बेटा, क्या करना चाहिए आपको इसमें? वैसे बेटा एक्स वाई के लिए सॉल्व करना है ना? तो दो तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं। चलो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा तो या तो यहां से वाई निकाल करके वहां रख लो, या यहां से एक्स निकाल करके वहां रख लो और सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक पॉइंट बना करके फॉर्म। तो कैसे करना चाहिए, मैं यहां से सपोज वाई निकाल रहा हूं तो मैं लिखूंगा माइनस थ्री एक्स और ये रूट सेवन और अपॉन में आ जाएगा फोर। क्या ये ठीक है चीज? क्यों बेटा? यस। इसको उस तरफ लेके जाओगे तो कैसे लिखोगे भाई, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर और ये पूरा पार्ट आएगा इस तरीके का और इक्वल टू वन। यहां से एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी बेटा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड सॉल्व कर लोगे, यहां से एक्स की वैल्यू वन बाई रूट सेवन टाइप की आ जाएगी। क्या जाएगी बेटा एक्स की वैल्यू? वन बाई रूट सेवन। ठीक है बेटा? यस। और जब वन बाई रूट सेवन होगी तो वाई भी इसी तरीके से निकाल लोगे, वो भी सेम आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर मैं इस लाइन को टेंजेंट मान रहा हूं तो टेंजेंट किसी पॉइंट पर होगी, जैसे मान लो अल्फा बीटा एक्स वन वाई वन एच के, कोई भी एक पॉइंट मान लिया। ये मैंने ना पॉइंट लेट कर लिया पी कि भाई इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो इसकी टेंजेंट कैसे लिखोगे अब आप? थ्री एक्स एक्स वन प्लस फोर वाई वाई वन इक्वल टू वन, ये टेंजेंट हो जाएगी क्या? क्यों बेटा? अभी फॉर्मूला लिखा था ना एक्स एक्स वन वाई वाई वन, है ना, इस तरीके से। क्यों बेटा? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इस तरीके से फॉर्मूला लिखा था। अब ये मैंने यहां पर निकाल दी टेंजेंट, लेकिन ये टेंजेंट तो ये वाली है, तो कॉन्कुरेंसी होगी इसमें, कॉन्कुरेंट लाइंस हो जाएंगी। तो कैसे लिखोगे? कंपेयर करके कैसे लिखोगे? डिवीजन में देखो इनका रेशियो इक्वल ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा? रेशियो इक्वल। रेशियो इक्वल कैसे? जैसे यहां लिखोगे x1 अपॉन वन, यहां लिखोगे y1 अपॉन वन इक्वल टू वन अपॉन रूट सेवन, ऐसे आएगा ना, कंपेयर टाइप का, कंपेयर टाइप का, रेशियो टाइप का। देखो यहां ये x1 है, यहां 3x के साथ 1 मान लो, यहां ये देखो 4y चले गए अपने, तो यहां 1 मानोगे ऐसे, ये y1 हो गया यहां पर, और इधर अपने पास हो गया रूट सेवन और इधर हो गया अपना 1। ठीक है? यस सर। अब देखो एक कॉम्बिनेशन ये जाएगा कि भाई x1 हो गया 1 अपॉन रूट सेवन, एक कॉम्बिनेशन ये वाला जाना चाहिए मेरे बच्चों का, इस तरीके का बेटा। सोचो। यस सर। क्लियर है? आगे चले। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक और बहुत ही अच्छा वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व, विच आर परपेंडिकुलर टू y प्लस टू एक्स इक्वल टू फोर। ठीक है बेटा? चलो ध्यान से लगाना जरा इसको।
क्वेश्चन दिख रहा है मेरे बच्चों को? यस सर। चलो देखें क्या पकड़ में आई बेटा बात। पहले इसका क्या कर लो, स्लोप निकाल लो। सर दो मिनट बस। अच्छा अच्छा चलो ट्राई करो। So 2y equal to x plus minus 4. Okay. चलो गुड, देखते हैं अब, है ना। यहां से m कितना निकलेगा मेरे बच्चों का? स्लोप क्या हो जाएगी बेटा m1? किसकी? इस लाइन की स्लोप निकाल रहे हो ना आप, कितनी आएगी? 1/2। नहीं, ये इस वाली लाइन की तो माइनस 2 होगी ना बेटा। Yes, sir, उसकी माइनस टू भी। और जो implies that m2 equal to minus 1 upon m1, minus 1 upon minus 2 equal to 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2 प्लस आ जाएगी ना तो बेटा। Yes, sir. अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की फॉर्म याद है अपने को, स्लोप वाली। ये मेरे को याद होनी चाहिए बेटा, फॉर्म स्लोप की फॉर्म है। तो यहां से सबसे पहले ए बी भी निकाल लेते हैं। तो इसे कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। यस सर। मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मुझे यहां से मिल जाएंगे। यस सर। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहां जाने चाहिए? यहां पर। तो टेंजेंट जो बन के आनी चाहिए वो किस तरीके से आएगी? y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना। इसी तरह से जाएंगे ना ये प्लस माइनस लेकर के बेटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर, मतलब 4 इंटू। अब m स्क्वायर भी क्या ले गए आप बेटा, ऐसे प्लस 3। सही लिखा है ये? यस सर। रूट 4 आएगा। ये हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल 4 और हो जाएगा ओवरऑल 2 इस तरीके से। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे y 2y इक्वल टू x प्लस माइनस 4, और एक तरफ ही बना लोगे तो क्या लिखोगे? x माइनस 2y प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर हो गया यहां पर? आगे चले बेटा। एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द एलिप्स, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, which touches the line चलो इसको सोच के देखो। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ा करेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ आती है चीजें, क्या दिया है क्या पूछा है, और उसको लिंक अप करना चाहिए। जैसे अभी ये क्वेश्चन है तो सोचो क्या ऐसी कंडीशन मानोगे जिसमें अननोन कम से कम। ठीक है बेटा, क्योंकि एक अननोन या दो अननोन होते हैं तो उसे हम अगर लिंक अप करके बना लें किसी तरीके से तो फिर हमारा आसान हो जाता है समझ, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। सर 2π/3। ओके, इसमें क्या कंसेप्ट आपने यूज किया? सर पहले हमें m के और c की वैल्यू पता है।
तो यहाँ से अपने पास आ गया एम थ्री सी इक्वल टू आ गया तो फिर सी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर सर उससे वो कर लिया था हाँ यहाँ से फोर इक्वल टू बन गया अपने पास में नाइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एक कंडीशन बन गई हमें चाहिए पाई ए बी है ना याद है अपने को यस सर हाँ तो ये पाई ए बी बनाने के लिए ए एम जी एम का इस्तेमाल कर सकते हो आप इस केस पे ये लगाया कुछ और भी सोचा नो सर ये लगाया था ओके तो जब मैं इसे इसे आप फर्स्ट टर्म और इसको सेकंड मानोगे तो एक कंडीशन ए एम पे ये जाएगी अपनी ऐसे करके ये ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर आ गया बेटा नाइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना यस सर अब इसी को थोड़ा ध्यान देते हैं ये अपना कितना आया फोर आ गया तो ये अपने पास आधा हो जाएगा मतलब टू हो गया और इधर से आ गया थ्री ए बी तो पहले तो अपना पाई बना लो ऐसे और फिर धीरे से थ्री को डिवीजन पे पहुंचा दो यस तो ये पाई ए बी बन जाएगा और ये हो गया अपना टू पाई अपॉन थ्री मतलब मिनिमम वैल्यू टू पाई बाई थ्री यस ठीक है इससे ज्यादा ही बनेगा बस बिल्कुल ठीक है तो एरिया जो आएगा वो टू पाई बाई थ्री से ग्रेटर आएगा लेस आएगा से ग्रेटर आएगा हाँ ये ऐसे हो जाएगा ना पाई ए बी लेस देन टू पाई बाई थ्री तो ये तो मैक्सिमम हो गया अच्छा हाँ मैक्सिमम कंडीशन भी तो मैक्सिमम बेटा ये यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही थी ठीक है चलो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं बेटा नॉर्मल के लिए वैसे एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छे वाला है लगाए क्या यस सर चलो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इन क्वेश्चन से ना नॉलेज होती है लिखेंगे एग्जांपल इफ द लोकस ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट मिड पॉइंट्स ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट्स पोर्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y square upon b square equal to 1 intercepted between the axes is a square y square plus b square x square equal to lambda x square y square find lambda समझ में आ गया बेटा lambda की वैल्यू बेटा मेरे से पूछी गई है ठीक है बेटा yes sir चलो सोचो ध्यान से सो लैम्डा इक्वल टू फोर आ रहा लैम्डा इक्वल टू फोर पैरामेट्रिक फॉर्म यूज की तो ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा था बिल्कुल उसके बाद फिर अगर हम एक्स वन वाई वन पॉइंट निकाले तो उसमें ए सेक थीटा और बी कॉस सेक थीटा बना वन अपॉन कॉस और वन अपॉन साइन से ये इस तरह का कुछ हो जाएगा क्या ऐसे Yes, sir. ये हो गया a cos theta और b sin theta है ना इस तरीके से ले लिया क्लियर है मेरे को
क्यों बेटा, ये ऐसे लाइन जाएगी ना, यहाँ पे ये पी क्यू दो पॉइंट होंगे, चलो पी ए मैंने ले लिया तो ये ए बी ले लो, जहां एक्सिस कट रहे हैं उनको मैं ए बी मान सकता हूं। सही है बेटा? तो ये जो ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा आपका है, इस पर टेंजेंट निकाल दिया आपने अब, और टेंजेंट होगी एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इक्वल टू वन, ऐसी बनेगी बेटा। यस सर। इसके बाद क्या करोगे? इसके no, बाद कर, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे ना, ए ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो कॉमा बी अपॉन साइन थीटा। यस सर। और बी के क्या होंगे बेटा, नीचे वाले के ए अपॉन कोस थीटा। ऐसे जाऊंगा? यस सर। अब क्या करना चाहिए? अब इसका मिड पॉइंट, ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट होगा यहाँ कहीं एम। यस सर। क्यों बेटा? यस सर। एक्स वन और टू वाई वन आ जाएगी। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? आप लिखोगे इन दोनों को जीरो प्लस ए अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, इसको एच के ले लो, ठीक है? तो ये हो गया एच, ऐसे हो जाएगा ना। यस सर। और अपॉन टू भी तो आएगा ना, ऐसा बनेगा ये, इस तरह से एक ही टाइप की चीज। यस सर। उसे x1 मान लेंगे, h cos थीटा को। हाँ, यहाँ से h cos थीटा x1 हो जाएगा, और दूसरा इसी तरीके से 2b sin थीटा टाइप का हो जाएगा वो। यस सर। ऐसा आ जाएगा बेटा। हाँ जी। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा? वन। यस सर। अब इसमें वैल्यू साइन थीटा यहां से ले लेंगे तो ये होगा के अपॉन टू बी, इसका स्क्वायर जाएगा। दूसरा क्या आएगा? नहीं, ये कुछ टू के होगा ना, बी, ये बी होगा बेटा यहाँ पे, ये के, ये ऐसे होगा ना, टू के साइन अप ऐसे करके, ये वैल्यू गलत लिख लिया उल्टी, इन्हें सीधा लिख लेते हैं, ये होगा बी अपॉन टू के, ठीक है, और ये ए अपॉन टू एच स्क्वायर इक्वल टू वन। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे और एलसीएम ले लोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के साथ तो आ जाएगा एच स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ आएगा के स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा फोर एच स्क्वायर के स्क्वायर। और एच के को क्या लिख लोगे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एच के को एक्स वाई कर देंगे ना हम लोग अब। यस सर। बस फिर अपना ये फोर आ गया है। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये अपने पास फोर की फॉर्म हो जाएगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए जैसे फिगर तो ये मैं समझ सकता हूं ऐसी होगी, देखो टेंजेंट हो गया और ये होगी नॉर्मल, तो अगर इसकी स्लोप m1 है जिसे हम क्या कह सकते हैं dy by dx, तो यहां से m2 हो जाएगा माइनस वन अपॉन एम वन, ये x1 y1 पॉइंट है ही मेरा बेटा। हमारे पास क्या थी फॉर्म, x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू वन, यहां से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे m1, उसके बाद m2 निकाल लेंगे बेटा माइनस वन अपॉन m1 करके, ठीक है बेटा, और फिर यूज कर सकते हो ये वाला,
एक तरीका ये। दूसरा ऐसा भी कर सकते हो कि आप dy by dx के थ्रू भी जा सकते हो, वहां से m1 m2 निकाल लो आप, m1 हो जाएगा फिर पॉइंट पास करके m2 निकाल सकते हो माइनस dx अपॉन dy वाली चीज, ठीक है ना बेटा। तो फिर ये y माइनस y1 इक्वल टू m2 वाला इस्तेमाल कर लो, ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है बेटा। और अगर डायरेक्ट याद करना है इसकी पॉइंट फॉर्म को, कौन सी फॉर्म, पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट याद करना है तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है बेटा, ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। डन सर। अगली हेडिंग लिख लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, कौन सी फॉर्म बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म। इलिप्स की इक्वेशन जो है वो इलिप्स है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और पॉइंट है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट पर जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जो आपने एक्स वन वाई वन लिखा था ना वहां पे डिवाइड में, याद करो अभी पीछे ये था ना अपने पास ऐसे, यही तो लिखा था ऐसा टाइप, क्यों बेटा। यस सर। इसमें आपने क्या कर देना है, x1 के प्लेस पे a cos थीटा और y1 के प्लेस पे b sin थीटा पुट कर देना है, ठीक है ना। डन सर। आगे चले बेटा, लिखो स्लोप फॉर्म, मतलब m की फॉर्म में लिखेंगे। तो इलिप्स क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो c की वैल्यू है बेटा ये थोड़ा सा ध्यान से रखनी होती है, माइनस प्लस m ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, और बिल्कुल वही चीज जो पीछे यूज की थी थोड़ी सी बदल के, क्यों, क्योंकि एम की जगह वन अपॉन एम रखना है ना वहां पर, तो याद करो वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर होता था लेकिन आपको एम की जगह वन अपॉन एम इस्तेमाल करना होता है माइनस में एक तरह से, ठीक है बेटा। यस सर। तो इसे अगर मैं लिखना चाहूं टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन को, तो वो इक्वेशन अब क्या बननी चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ये माइनस प्लस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह की हो जाएगी बेटा, हो गया बेटा। यस सर। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। इफ द नॉर्मल एट वन एंड ऑफ द ओफा लेटस रेक्टम, एल आर का मतलब लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स
x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 passes through one extremity. Of the minor axis than the eccentricity of the ellipse is given by find k. ठीक है बेटा, क्वेश्चन है के की वैल्यू बेटा इसमें पूछी गई है, स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का, बहुत ही सही लेवल का क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा। यस सर। बनाया? नो सर। गड़बड़ हो गया कुछ? चलो इसको सोचते हैं, पहले फिगर सोचते हैं, फिगर किस तरीके की बननी चाहिए। कुछ ऐसा होगा मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने पास एल आर का कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा कोई ऐसे एल, ये क्या होगा a, b square upon a. और इस पे नॉर्मल ऐसे जाना चाहिए यहाँ से 0, -b से। यस सर। ऐसा ही तो हुआ, और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस तरीके से 90 डिग्री एंगल टेंजेंट से बनाएगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी बेटा? ए स्क्वायर एक्स अपॉन, याद है अपने को एक्स वन लिखते थे ऐसे नीचे, माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन, और ये क्या लिखोगे? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, तो ये ऐसे आ गया, ऐसा बनेगा पहले तो ये। यस सर। अब ये पास किससे हो रही है? इस पॉइंट से। यस सर। मतलब एक्स को जीरो रखना है और वाई को क्या रखोगे? ऐसा पुट करना चाहिए मुझे अब? यस सर। चलो रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया ए स्क्वायर इनटू अपने पास आया जीरो अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अभी वैल्यू रख देंगे सब हट जाएगा, ये आया माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे रहेगा। हाँ बेटा। यस सर। तो ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा कुल मिला करके, देखो ये हट गए ये खत्म हो गया, तो यहां से बचा ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली बात पकड़ में आ गई यहां तक, क्यों बेटा? यस सर। अब बेटा इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा? ये जगह इसे हटा लू क्या? इसे नोट कर लो बेटा आप, फिर मैं इसको हटा देता हूं इतने हिस्से को यहां से, चलो यहां से आगे यहां कर लेते हैं। अब ये चीज जो बदलेगी, ये बदलेगी देखो ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो
एक कंडीशन थी वो थी, एक तो थी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी को क्या लिख लेते थे, ए ही, याद है मुझे भाई, सी इक्वल टू ए ही बेटा। तो ये एक चीज क्या बनेगी, देखो ए स्क्वायर और ये यहां बी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं बेटा ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, याद है सबको? यस सर। और बेटा इसकी जगह आ जाएगा ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं? यस सर, ई स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए। अभी पूरा ऐसे बन जाएगा, यस सर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया a पावर 4 1 माइनस e स्क्वायर, इधर आ जाओ a पावर 4 e पावर 4 हो जाएगा। यस सर, a पावर 4 से a पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, जाएंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू e पावर 4, और यहां से e पावर 4 प्लस e स्क्वायर इक्वल टू ये बचा अपना 1, ठीक है। तो ये k की वैल्यू क्या आ जाएगी एक तरह से 1, ठीक है बेटा।